हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी कल ही 26 सितंबर 2021 को जो बंगाल पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था WB का, तो इसमें नेपाली और बंगाली लैंग्वेज में सिर्फ क्वेश्चन था, हिंदी और इंग्लिश नहीं था, जिसके वजह से हम हिंदी भाषी लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ना इंग्लिश था और ना ही हिंदी था। तो हम इसे हिंदी और इंग्लिश में करके आपको 100 क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दूंगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो में कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि हिंदी नहीं रहने के वजह से बहुत कैंडिडेट का गलत हो गया और इसमें हमारे भी एक लोग एग्ज़ाम दिए थे तो उनका मैं आंसर की मिलाया हूँ और वो आपको बताता हूँ कि कितना आया होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित मध्य पश्चिम बंगाल डेनिस पार्क कहाँ है, तो इसका ए नंबर आंसर होगा चिनसुरा हुगली। आप आंसर मिला लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा गलत भी पढ़ पाऊंगा तो मुझे भी नेपाली और बंगला उतना आता नहीं, लेकिन मैंने सारे सर्च करके बनाया आंसर बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण ब्याज पे ये निकालना था तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर थ्री आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर आपके बी नंबर आंसर होंगे 3। क्वेश्चन फोर का होगा डी, इनमें से बोल रहा है कि कलर ऑफ 5 रिंग्स कौन सा नहीं है, ओलंपिक में 5 रिंग्स कलर में कौन नहीं है, तो पहनलो जो है ये नहीं आएगा, ये यही इसका सही आंसर, क्योंकि काला, नीला, हरा, रेड, ब्लू ये सारे ओलंपिक के कलर होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी, सीनियर वोटर इनकरेजमेंट एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, सी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट होगा नाना साहेब, 1857 के विद्रोह का जो कानपुर में नेतृत्व किया था वो नाना साहेब ने किया था, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी नंबर होगा 15:16। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा हो जाएगा भारत, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेजबानी 2023 में भारत करेगा, ए नंबर होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज निकालना था कि 1754 पे बेचने पे जितना लाभ होता है उतना ही 1492 पे बेचने पे हानि होता है, तो ये 1673 हो जाएगा, सी नंबर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी होगा, 10 किलोमीटर, ये जो भी बनाए उनका गलत हो गया है, डी होगा। यहाँ पे पूर्वोत्तर की वजह से सबका गलत हुआ है, पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्व ये लोग समझ लिए हैं, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 7:5। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अशोक कुमार, डी नंबर। नेक्स्ट है 13 नंबर का आंसर हमारा होगा 40 डिग्री, सी नंबर, जो ब्लू कलर से टिक है, ब्लैक कलर से टिक है, जो जरूरी नहीं कि सही होगा, क्रॉस जहाँ पे होगा वो गलत है, इसलिए हम जो आंसर बताएंगे वो आप मैच कीजिएगा, सी नंबर इसका 40 डिग्री आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर अकबर हो जाएगा, डी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए नंबर होगा, यानी एच आएगा इसके आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी डी होगा, 4000 रुपया, इसको सॉल्व करने पे डी आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्यूब था एक, इसको पिघला के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 512। फिर आ जाएगा C++ के हो, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी। फिर है जो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये किस जिला से है, हरियाणा के किस जिला से, तो ये पानीपत से है, सी नंबर होगा इसका आंसर, पानीपत। फिर आ गया बक्सर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अलीपुरद्वार, बी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 22, कलमकारी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य से है, तो ये आंध्र प्रदेश से, इसका बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं हम लोग, तो 23 का है ये मिरर इमेज पूछा था, तो इसका इस ऑप्शन में बी नंबर होगा, आप मैच कर लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन जो होगा EFFECTIVE उल्टा से, तो इसका आंसर बी होगा।
हर एक क्वेश्चन सेट में ऑप्शंस भी चेंज है, तो ऑप्शन से आप मैच मत कीजिएगा। वो जो उसके अंदर हम जैसे बी नंबर बोले तो बी नंबर में जो है वो आप अपने देख लीजिएगा किस ऑप्शन में, उसके अनुसार चेक कीजिएगा। अजात शत्रु किस महाजनपद के शासक थे, महाजन पदक के शासक थे, तो ये मगध के थे, सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन में हो सकता है ए नंबर में मगध हो, तो उस तरह से आप मगध को सही कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका मगध हो जाता। फिर है 25 नंबर, और 25 नंबर का आंसर हो जाएगा 420 रुपया ए। फिर है 26, और 26 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बॉय गर्ल, सी नंबर, स्टूडेंट बॉय गर्ल। फिर आपका 27 नंबर, और 27 नंबर का देखिए, 27 का आंसर हो जाएगा आपका धर्मेंद्र तिवारी, सी नंबर। फिर 28 है, और 28 का आंसर आपका होगा 6, सी नंबर, इसका 6 होगा सी नंबर आंसर। फिर 29 है, और 29 का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ए नंबर। फिर 30 है, और 30 का आंसर हो जाएगा आपका 102, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 102 बी नंबर आ जाएगा। आइए 31 नंबर देखते हैं, और 31 नंबर का आंसर आपका मैग्नीशियम होगा, सी नंबर। फिर 32 है, 32 का आंसर वही बार बृहस्पति बार, सी होगा। यहाँ 50 दिन बाद पूछ रहा है, यानी कि एक शेषफल बचता है, 50 में 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो इन्होंने मार दिया है एक पहले, ये गलत है, बृहस्पति बार होगा, सी नंबर। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन का 19% आंसर हो जाएगा, 19% का, जब कोई भी क्यूब के साइड में 10% का डिक्रीज किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, तो 19% कम हो जाएगा। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था। लैंग्वेज हिंदी नहीं होने के वजह से बहुत कोई जहाँ पे नहीं पूछ रहा था वहाँ पे हाँ मार के चले आए हैं, जिन इनमें से कौन नहीं है मैं पूछ के कौन है मार के चले आए, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ है ऐसे। ये 35 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से इनका गलत हो गया, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 27, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। तो इसका आंसर 29 होगा, बी नंबर, 29 मीटर, सी गलत है। फिर 36 नंबर है, 36 नंबर का आंसर हो जाएगा लुइस ग्लुक, साहित्य पुरस्कार इसे मिला था, ए नंबर। फिर है 37, और 37 का आंसर हो जाएगा फैक्टर, सी नंबर, फैक्टर आपका जो भी ऑप्शन में होगा आप मिला लीजिएगा। फिर है उत्तरी ये 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो ये अंडमान और निकोबार टापू को जोड़ता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर है आपका 39, 39, और 39 का आंसर डी नंबर होगा, 8%। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, और 40 का आंसर हो जाएगा असम, जो टोक्यो ओलंपिक विजेता लवलीना बोंगई जो थी वो असम की थी, बहुत साथी इसमें मणिपुर मार के आया जो कि गलत होगा, मणिपुर इसका आंसर असम होगा। 41 नंबर, 41 नंबर का आंसर 13 होगा, छोटा संख्या पूछ रहा था स्मॉलर, तो इसका आंसर 13 होगा। पश्चिम बंगाल का कन्याश्री जो योजना था कब शुरू किया गया, तो इसका आंसर 2013 हो जाएगा, सी नंबर। फिर है 43 नंबर, और 43 नंबर का सबसे पुराना जो जल निकासी प्रणाली है ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, सी नंबर इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 का जो है ये सिक्का वाला क्वेश्चन था, इसको निकालना था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 150। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, और 45 का हो जाएगा प्लानिंग कमीशन स्थापना के किया 1950, डी नंबर, इसका कब हुआ था, 1950 में हुआ था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेंगल काउंट करने दिया था, तो इसमें 13 ट्रेंगल हो जाएगा, सी नंबर इसका परफेक्ट आंसर है, सी 13, इसमें 13 ट्रेंगल होगा। फिर आपका 47 नंबर, और 47 नंबर का आंसर हो जाएगा भतीजी यानी नीस, ए नंबर इसका भतीजी आंसर होगा। फिर है 48, और 48 का जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक होगा, बी बी नंबर इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रिक आएगा इसमें, इलेक्ट्रिक आप जो भी ऑप्शन में आपका होगा मैच कर लीजिएगा, बीच में इलेक्ट्रिक आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, और 49 का आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा था, HIDCO, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सी नंबर इसका आंसर होगा, सी
हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर है 50 नंबर, और 50 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा सही है, तो 50 का ए नंबर होगा, यही एक है जो कि ऊपर की ओर ट्रायंगल दिखा रहा है। फिर आपका 51 है, और 51 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस है, सी नंबर आंसर होगा, जो कि भारतीय ही है, आप लोगों को पता होगा। फिर इसमें पूछ रहा था कि यहाँ पे 14 का स्क्वायर कर दे रहा है, तो यहाँ 121 कैसे आएगा, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 11। फिर है 53, 53 में बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे लंबा भंडो सबे भंडो लामो पुल कौन हो, तो पता नहीं क्या लिखता है, लेकिन इसका आंसर जोई पुल होगा, जोई पुल डी नंबर। रविंद्र पुल हावड़ा ब्रिज जो मार के आए हैं वो बिल्कुल गलत है, और इसका डी नंबर आंसर होगा जोई पुल। फिर है 54 नंबर, और 54 नंबर भारतीय संविधान कब ग्रहण किया, एडप्टेड कब किया गया था, तो इंग्लिश की वजह से बहुत मार पाया होगा, नहीं तो कल ग्रहण कहले पता नहीं क्या लिखा है बंगाली में, तो नवंबर 26, 1949 को हुआ है, बी नंबर इसका आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, और 55 का मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, इसको सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो कि महात्मा गांधी किए थे, तो बेलगांव का अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, बेलगांव में किए थे, और बेलगांव कहाँ है, कर्नाटका में। 57 का आंसर रीजनिंग है, और ये सीरीज सी बनेगा, 96 आएगा इसके आगे। 58 का जो है डांस फॉर्म कौन सा है, तो इसमें कुचिपुड़ी होगा इसका आंसर, बी नंबर कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ का है आप लोग बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है जलचित्र में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो जो अवतल मारे गलत है, इसका आंसर उत्तल हो जाएगा, बी नंबर उत्तल लेंस। फिर है ये एक दिन में, एक्स इतना दिन में करता है, तो बी इतना दिन में करता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 12 दिन। फिर है 61 नंबर अनोठा ओड, अनोठा देखिए ओड का अनोठी के अनोठों का मतलब ओड होता है, समझ लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिग होगा इसका आंसर, टीनी ट्रीडल स्मॉल, सभी छोटा से रिलेटेड है, बिग बड़ा से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर LPG किसका घटक है, तो LPG ब्यूटेन और प्रोपेन का घटक है, ब्यूटेन और प्रोपेन, सी नंबर इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, और क्वेश्चन नंबर 63 का रीजनिंग है, और इसमें HPU आएगा इसके आगे, सी नंबर। फिर आपका 64, और 64 का जो आंसर होगा, ये आंसर होगा धेरा तातो, ए नंबर होगा इसका आंसर, धेरा तातो, यदि पृथ्वी को वहरी पर वायुमंडल नवेको भय कस्तु हंथियो, तो धेरा तातो होगा। फिर है 65 नंबर, और 65 में प्रश्न के कौन सा इसके आगे आएगा, तो 27P होगा इसका आंसर, बी नंबर 27P। फिर है 66, और 66 का जो आंसर होगा बौद्ध धर्म का, पाली भाषा में ये सब मार लिए होंगे क्योंकि सबको समझ आ गया होगा पाली। फिर है 67, और 67 में है कि कौन सा अंग नर्वस सिस्टम द्वारा हुदेना, ये समझिए, नो यदि बाद में लिखा रहा नो, तो मतलब कौन सा नहीं होता है, और सब बहुत कुछ समझ लिया कि कौन सा होगा, हुदेना का मतलब नहीं होगा, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा यूटेरस गर्भाशय, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आप मैथ सॉल्व कीजिएगा, तो 63 सी नंबर। फिर 69, और 69 का आंसर होगा 35 रुपया, बी नंबर 35 रुपीज। फिर है 70 नंबर, और 70 नंबर का क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का राज्य स्टेट एनिमल कौन है, तो स्टेट एनिमल फिशिंग केट है, वहाँ का फिशिंग केट, रॉयल बंगाल टाइगर नहीं है, रॉयल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय में आता है, ये फिशिंग केट है इसका आंसर। फिर है 71, नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती, श्रीमती यानी पत्नी, तो नेक्स्ट 72, और 72 का आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल, ए नंबर। नेक्स्ट है 73, और 73 रीजनिंग था जिसका आंसर सी नंबर होगा 130। फिर है 74 नंबर क्वेश्चन, और 74 नंबर क्वेश्चन में लेंस का मात्रक पूछ रहा था, नहीं कि शक्ति का, जो कि बाट लगा के आएंगे उनका बाट लग गया, डायोप्टर लेंस का डायोप्टर होगा।
यहाँ पे लेंस का शक्ति पूछा था, जो कि डायोप्टर होगा। भाषा नहीं समझ पाने के कारण बहुत सारे साथी को गलत होगा, इसलिए हंसी आ जा रहा है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भाषा ही ऐसा है। बंगाली में आप बंगाली में देखिएगा तो और भी कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा है, इससे अच्छा लिखता ही नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया। फिर आइए 75 नंबर, 75 में देखिए भाषा की वजह से कितना लोग गलत किया होगा। अम्फान, तो सब जानता है कि अम्फान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश को प्रभावित किया था, सब बांग्लादेश मार के आए, लेकिन ये आंसर होगा नहीं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अम्फान किस देश का नामांकन, अम्फान नाम को नामांकन कौन सा देश थियो, थियो मतलब दियो, दिया, ठीक है, तो ये थाईलैंड दिया था, ना कि बांग्लादेश होगा आंसर, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। बस लैंग्वेज की वजह से सभी का गलती हुआ होगा, क्योंकि आप सब ये सब तो पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यदि हिंदी और इंग्लिश में रहता तो सारे बिहारी भाई का बंगाल पुलिस में सिलेक्शन हो जाता। तो इसका सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर हमारे आंसर में ABBBAD आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा अपने में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फिर है 77, और 77 का जो आंसर होगा आशापूर्णा देवी होगा, सी नंबर, सुनील गंगोपाध्याय नहीं होगा, सी नंबर होगा आशापूर्णा देवी। फिर है 78, और 78 में भी देखिए आप सब गलती किए होंगे, इसमें बोल रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये जो आपका ओरेकल जो है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, DBMS का भाषा है, तो ओरेकल नहीं होगा, इसका आंसर ओरेकल हो जाएगा। जो विंडोज डोस लिनक्स मारे वो गलत है, डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और लिनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, ओरेकल। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, और 79 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 5997। फिर आइए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सब अंदाजा से मार दिए होंगे, लैंग्वेज तो समझ नहीं आया होगा। भारत में T20 विश्व कप सबसे पहला कप जीता था 2007 में जीता था, क्योंकि 2007 से ही सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, और वो T20 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीत लिया, और 2007 के T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन इसमें सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी और सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे, जो कि 2007 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको बहुत ही खुशी मिली थी, जहां पे कैप्टन धोनी थे, और नया नया कैप्टन धोनी को ही उस टाइम बनाया गया था 2007 में। क्वेश्चन नंबर 81, 81 का आंसर हो जाएगा बंगाल पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, तो जो भी बंगाल पुलिस में वो सब जानते होंगे 1 सितंबर को मनाया जाता है बंगाल पुलिस दिवस। फिर है 82, और 82 का आंसर हो जाएगा 270 रुपया, डी नंबर। फिर है 83, और 83 का आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, ये सब भाई मार लिए होंगे, APJ अब्दुल कलाम है, डी नंबर आंसर। फिर आपका 84 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, और 84 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा था कि कौन सा चित्र महिला अम्मा और इंजीनियर को संबोधित करता है, तो बी नंबर होगा। देखिए ये महिला है, ये महिला के अंदर अम्मा होगी, और अम्मा और महिला दोनों इंजीनियर हो सकती है, इसलिए बी नंबर होगा इसका आंसर। 85, और 85 का आंसर 120 होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, इसमें पूछ रहा था 100 x का 25% प्लस 150 का 30% बराबर 75, ऐसे करते तो बन जाता आप लोग से। अब देखिए ये क्वेश्चन, कौन चाहिए रवि फसल हो ही ना, नौ लिखा हुआ है, यहाँ सब समझ लिया कि कौन सा रवि फसल है, गेहूँ देखा मार दिया, अब तोरी और दाल के बारे में उतना पता नहीं था इन लोगों को, तो यहाँ पे रवि फसल गेहूँ तोरी और दाल होता है, लेकिन पूछा है इसने कौन सा रवि फसल नहीं है, कपास होगा इसका आंसर सी नंबर, क्योंकि कपास जो है खरीफ फसल है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कपास। अब क्वेश्चन नंबर 87, अगस्त 2020 का जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में कौन सा ने अध्यक्षता किया था, तो भारत, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। बहुत ही करंट पूछा है, बहुत अभी तुरंत रिलेटेड करंट पूछा है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है। फिर है आपका 88 नंबर, और 88 नंबर का डी हो जाएगा आंसर, 5/7। फिर है आपका रीजनिंग, और रीजनिंग ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इसका आंसर बी होगा, क्यू आएगा। फिर है 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर एडिस मच्छर, एनफिलीजा मारे हैं उन भाई सब का, एनफिलीजा गलत है, एडिस होगा इसका आंसर। फिर है 91, और 91 का आंसर जो होगा रेम नहीं होगा, रोम होगा, रोम।
अस्थाई बोलता है कि कौन सा डेटा संग्रह करता है अस्थाई रूप से परमानेंट, तो रोम होगा। रैम जो होता है ना, वो रैम तब तक आपके कंप्यूटर में पावर है यानी करंट है, लाइन है, तब तक ही वर्क करता है, रैम चला जाता है, इसलिए इसका आंसर रोम होगा, रीड ओनली मेमोरी, ए नंबर। फिर है आपका 92, और 92 का जो आंसर होगा वो आप सब कमेंट कीजिएगा इसको सॉल्व करने के बाद। उसके बाद है 93, और 93 का जो आंसर होगा ओनम होगा, बी नंबर, केरल का फसल महोत्सव पूछ रहा है। और 94 है, 94 का जो आंसर होगा 184 होगा, सी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, और 95 का जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था ये, नहीं, श्रीमती श्रीमती भंतो हमने ठुलो छनी, भाई क्या लिखा हुआ पता नहीं, लेकिन इसका आंसर श्रावणी होगा, इसको समझ के बनाने पे आप, इसका आंसर श्रावणी होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ के समझाएंगे तो वीडियो बहुत लेट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था, लेकिन ये अधिवेशन जो लाहौर का हुआ था वो 1929 में हुआ था, लेकिन भाई साहब बंगाल पुलिस वाले ने, बोर्ड वाले ने 1930 दे रखा है, तो आप समझ के मार लीजिएगा, लाहौर अधिवेशन 1930 ऐसे हुआ था 29 में, और इसका अध्यक्ष किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर आपका 97 है, और 97 का जो आंसर होगा 24 वर्ष हो जाएगा, बी नंबर, डी जो भी मारे हैं 30 वर्ष गलत है भाई साहब, 24 हो जाएगा आंसर इसका, 24 वर्ष। फिर 98 है, और 98 का आंसर देखिए, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का इकाई हो ही ना, ये हो ही ना ना बहुत को डुबा दिया, हो ही ना मतलब कौन सा नहीं होगा, तो देखिए ऊर्जा का अर्ग, जूल और कैलोरी, तीनों ऊर्जा का इकाई है, तो हो ही ना यानी पास्कल ना, हो ही कहकर पास्कल दाब का इकाई है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा पास्कल। अब जो भाई लोग खुशी खुशी में कि ऊर्जा का इकाई पूछा है, जूल मार के आए हैं, तो उनका खुशी निकल गया। अब देखिए पास्कल यहाँ पे आंसर होगा डी नंबर। अब 99 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, इसको पुट कीजिएगा तो 2020 आ जाएगा आपका, सी नंबर आंसर होगा, भागा गुना बराबर प्लस, आपका जी वही ऑप्शन में होगा, आप मिला लीजिएगा। फिर है हमारा गुप्त वंश, गुप्त डेंसिटी का शासनकाल की आधिकारिक भाषा कौन सा था, संस्कृत था, पाली नहीं था भाई साहब, प्राकृतिक नहीं था, संस्कृत था। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चंस का आंसर मैंने करवा दिया है, आपका कितना नंबर आ रहा होगा प्लीज़ हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि जो 10% रिजर्वेशन आउटसाइड वाले के लिए है, तो आउटसाइड में ज़्यादातर लोग बिहार और झारखंड से थोड़ा बहुत फॉर्म भरे, ज़्यादातर बिहार के हैं, तो मैं देख पाऊँ कि बिहार का कट ऑफ कितना जाएगा, और मैं एनालिसिस करके आपको कट ऑफ बताऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई तक जिसने भी एग्ज़ाम दिया है बंगाली और इंग्लिश में क्वेश्चन, नेपाली और इंग्लिश में क्वेश्चन का ट्रांसलेट हिंदी में किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में, मतलब बंगाली और नेपाली का ट्रांसलेट हिंदी और इंग्लिश में कर दिए हैं, तो जो भाई साहब दिए हैं एग्जाम उन सबको तक शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने मार्क्स नेगेटिव काट कर, 1/4 नेगेटिव है यानी आपके 4 गलत होंगे, तो एक नंबर आप ईमानदारी से काट दीजिएगा, 0.25 नेगेटिव है। और जिनको भी नहीं पता हो, कुछ सेंटर में लोग बोल रहे थे, मैंने सुना कि नेगेटिव नहीं है, तो वो भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव है, 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो ईमानदारी से आप मिला के हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और जो जो भी एग्जाम दिए सभी भाइयों तक शेयर कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो बनाया हूँ, मुझे भी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इसे ट्रांसलेट करवा करवा के, एक भाई साहब को बंगाली आता था और नेपाली भी, तो उनसे करवा करवा के मैंने आंसर बनाया है, क्योंकि मुझे आंसर सारे आते थे बट मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे कुछ कुछ। तो बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, यदि आपके बंगाल पुलिस से रिलेटेड कट ऑफ्स वीडियो और आगे आने वाली SI एग्जाम्स के इसी तरह नेपाली लैंग्वेज को समझना हो, तो उसी के बाद इसका जस्ट फिजिकल होगा, फिर मेंस के एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो ही ना का मतलब आप समझ लीजिए, होएगा नहीं होगा, इनमें से कौन नहीं होगा ऐसे है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।